हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति यादव स्वागत करती हूं आपका हमारी एक और नई वीडियो में। क्या आपको भी रिलेशन के वक्त प्राइवेट पार्ट में दर्द होता है, या पूरे महीने प्राइवेट पार्ट से अलग अलग रंग का डिस्चार्ज होता है, या पूरे वक्त प्राइवेट पार्ट में दर्द रहता है, आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं? तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इन सबके होने का पीछे का कारण क्या है। तो दोस्तों, इसको वजाइनल इन्फेक्शन यानी कि प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन बोलते हैं, और इसको होने के कई कारण होते हैं, और इसकी वजह से गर्भधारण ना कर पाना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रेग्नेंट होने का ख्वाब हर महिला कभी ना कभी देखती है, और प्रेग्नेंट होने का सुखद एहसास हमारे दिल को हमेशा खुश कर देता है। इसलिए मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन होने पर क्या क्या करना चाहिए, और आप इससे अपना बचाव कैसे कर सकती हैं, क्योंकि इसके कारण महिलाओं को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, जिन महिलाओं को प्राइवेट पार्ट में कभी इन्फेक्शन हुआ है, या फिर महीने में एक बार इन्फेक्शन हो जाता है, और वो इसके पीछे का कारण कभी समझ नहीं पाती हैं, ना ही किसी से बात कर पाती हैं, तो आपके मन में उठे सभी सवालों का जवाब मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, जिससे आप प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन से बच जाएं। इसलिए आप हमारी वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जब भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM करें तो सीधा अपना सवाल लिखकर भेज दें, ताकि जैसे ही मुझे टाइम मिले मैं आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूं। तो दोस्तों, प्राइवेट पार्ट में होने वाले इन्फेक्शन के कई कारण होते हैं, लेकिन मैं आपको इन सबका परमानेंट सोल्यूशन बताऊंगी, जिससे प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन ना हो और आप कंसीव कर पाए, स्वस्थ रह सके। और मैं आपको जो भी घरेलू उपाय बताऊंगी वो सब आप घर पर कर सकती हैं, और ये सब काफी आसान है। तो दोस्तों, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस उन महिलाओं को होते हैं जिन्हें PCOD होता है, थायराइड होता है, पेट में एसिडिटी रहती है, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है। इनको इन्फेक्शन होने का रिस्क काफी रहता है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्हें महीने में बहुत बार ये प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है, और अगर आप गर्भ धारण करने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन मिसकैरेज हो जाता है, तो इसका जड़ से इलाज करना जरूरी है कि ये इन्फेक्शन ना हो और आपको ये सारी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो इसका सबसे पहला कारण जो होता है वो होता है हाइजीन ना रखना। प्राइवेट पार्ट में हाइजीन रखना बहुत जरूरी है और सबको रखनी चाहिए। और ये हम कैसे रख सकते हैं, तो महिलाओं को अपने अंडर गारमेंट्स हमेशा साफ पहनने चाहिए, उनको रोज अच्छे से वॉश करना चाहिए, हमेशा धूप में सुखाना चाहिए, क्योंकि धूप में सुखाने से उस पर के सारे कीटाणु मर जाते हैं और इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा। दूसरा कारण है कि अगर आपको टाइट जीन्स या फिर टाइट लेगिंग्स पहनना पसंद है और आप टाइट कपड़े पहनते हैं, तो ये भी एक कारण है आपको बार बार प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हो जाने का। तीसरा कारण होता है कि अगर आप अपने खान पान में न्यूट्रिशन सही मात्रा में नहीं ले रही हैं और आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रही हैं, तो आपका pH लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, इसके कारण भी आपको इन्फेक्शन हो जाता है। और चौथा कारण है कि अगर आपका एस्ट्रोजन लेवल कम है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स नहीं बन पा रहे हैं बॉडी में, तो इससे आपको डिस्चार्ज कम होगा और प्राइवेट पार्ट में ड्राइनेस हो जाएगी, जिससे आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और आपको ऐसे वक्त डिस्चार्ज भी काफ़ी गाढ़ा होने लगता है। और आखिरी कारण कि कभी कभी आप काफ़ी लंबे समय से अगर कोई दवाइयाँ खा रही हैं, तो दवाइयाँ लंबे समय तक खाने से आपका pH लेवल डिस्टर्ब हो सकता है, जिससे इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको इन सभी कारणों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और महिलाओं को इन्फेक्शन होना काफ़ी नॉर्मल सी बात है, आपको इसमें घबराना नहीं है। लेकिन आप इन सब पर कभी किसी से खुलकर बात भी नहीं कर पाती, तो आपको समझ में नहीं आता कि अब हमें क्या करना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कि आपको इनसे कैसे बचना है। तो आपको तीन बातों का खास ध्यान रखना है। पहली बात कि आपको अपना रहन सहन ठीक करना है, हाइजीन का खास ध्यान रखना है। इसके लिए आपको अपने अंडर गारमेंट्स का सिलेक्शन ध्यान से करना चाहिए। कॉटन फैब्रिक सबसे अच्छा होता है, तो आपको अपने अंडर गारमेंट्स कॉटन के लेने चाहिए, उसको हर दिन अच्छे से धोना चाहिए और धूप में सुखाना बिल्कुल भी ना भूलें। दूसरी खास बात है कि आपको अपने खान पान का ध्यान रखना है, आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है, जिसमें आपको सारे न्यूट्रिशन सही मात्रा में संतुलित रूप से मिले। इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर, साथ में फ्रूट्स और सलाद को भी अपने खान पान में शामिल करना चाहिए। साथ में दही एक कटोरी रोज खाएं, और अपने पूरे दिन में एक ग्लास नींबू पानी भी पिए, और संतरे का जूस रोज सुबह पिए।
इससे आपका स्वास्थ्य बना रहेगा और आपको प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन नहीं होगा। और तीसरी खास बात कि आप अपने प्राइवेट पार्ट के लिए इंटीमेट हाइजीन प्रोडक्ट का भी यूज कर सकती हैं, जो आपके प्राइवेट पार्ट का पीएच लेवल मेंटेन करके रखेगा। तो दोस्तों, इन सब बातों का ध्यान रखने से आपको इन्फेक्शन नहीं होगा और आप आसानी से ही कंसीव कर पाएंगी। अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए खुश रहें, खुलकर जिए, घर में रहकर स्वस्थ रहें, घर से बाहर जरूरी काम होने पर ही जाएं, कोरोना से बचें, अपने परिवार का और अपना ध्यान रखें।